बच्चों एनटीए जेएनयू की तरफ से एक आंसर की अपलोड हुई है, वो एक रिवाइज आंसर की है। आप सभी बच्चों ने देख ली होगी कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन सही नहीं किए, वो सारी डिटेल आपके पास है और आप सभी ने देख ली होगी। लेकिन आज हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे कि एनटीए जेएनयू में सिर्फ ओनली बात करूंगा एमटीएस वैकेंसीज की कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाएगी, ओनली एमटीएस की। बच्चों मैंने भी बहुत बच्चों से डेटा लिया, किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि एग्जाम जो था नॉर्मल था या मॉडरेट था, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम था, बहुत ही हार्ड एग्जाम था। और जहां तक मैंने बच्चों से कॉन्टेक्ट किया, ओनली सिर्फ 4 बच्चे जो है 105 क्वेश्चन जो है इसको क्रॉस किया, बस ओनली 4 बच्चे 105 क्वेश्चन क्रॉस किया, किसी ने भी 105 क्वेश्चन ही क्रॉस नहीं किया। सो भाई, और नेगेटिव मार्किंग भी है, एग्जाम इतना टफेस्ट था ना, मतलब 150 जो क्वेश्चन थे ये 300 मार्क्स का आपका एग्जाम था गाइस। 150 क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं 90% बच्चों ने जो है बिलो 200 स्कोर किया है, और जो 10% बच्चे हैं अबाउट 200 स्कोर किया है। अबाउट 200 मींस ये नहीं कि उन्होंने 120 किया है, ऑलमोस्ट 110 स्कोर किया होगा, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं। एग्जाम इतना टफेस्ट था और नेगेटिव मार्किंग भी, क्वेश्चन भी छोड़े होंगे, तो इन 10% पे थोड़ा ना कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ तो भाई इनको भी काउंट किया जाएगा। वैकेंसीज में जो 10% बच्चे उन पे कट ऑफ थोड़ा ना बनती है, 5-7 सीट पे थोड़ा ना कट ऑफ बनेगी, इन पे कट ऑफ बनेगी। तो जो एवरेज, मतलब एवरेज बिलो 200 मार्क्स जिन्होंने किया उनके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाई है। तो कट ऑफ आप देख लो कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, वीडियो पे कमेंट करने वाले कमेंट कर जाते हैं, मेरे 120 नंबर थे, मेरे 135 नंबर थे। जब रियलिटी आती है ना भाई, एनटीए जेएनयू की तरफ से भी तो एग्जाम में गलती हुई है। एग्जाम में क्या गलती है, क्वेश्चन के आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है। अब उनके या तो नंबर मिलेंगे या फिर यहाँ पे जो है आपके जो क्वेश्चन घटेंगे। अब गाइज क्वेश्चन घटेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि कम क्वेश्चन में से जो आपके ज्यादा मार्क्स निकलेंगे, और ज्यादा मार्क्स जब आपके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर आने के चांसेस रहेगा। और भाई 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जब एक क्वेश्चन 2 नंबर को कैरी करेगा तो सिंपल बात है, 8 नंबर का गलत करोगे तो 2 नंबर यहां पे आपके काट ले, 2 नंबर यहां पे आपके काट ले जाएंगे। गाइस ये तो क्लियर हुआ, कट ऑफ देखो। देखो यूआर कैटेगरी के लिए जो मैंने कट ऑफ रखे हैं यहां पे 97 से लेके 103 नंबर के बीच में आप, सॉरी 103 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सेफ है, आपका कट ऑफ लिस्ट में जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए अगर आपके 92 नंबर से 98 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बन रहा है। देखो गाइस ये डेटा जो है अनुमानित डेटा है, जो स्टूडेंट डेटा प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग ही एक कट ऑफ की एक वीडियो बनती है। हालांकि इससे जो है प्लस माइनस 3 आप कर लेना, -2 कर लेना, +3 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस एग्जाम ना बहुत टफ था, 50 क्वेश्चन तो वैसे ही स्टूडेंट ने छोड़े ही छोड़े इसमें, तो कभी तुक्के मारे होंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी गई होगी। सो गाइस ऐसा रहा होगा। ठीक है, EWS की बात करेंगे। EWS के लिए यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है, 88 से लेके 95 के बीच है, तो कहीं ना कहीं चांसेस आपका बन रहा है। ठीक है, SC की बात करेंगे। SC की गाइज 82 से लेके यहाँ पे 86 बन रहा है, तो चांस बन रहा है। ST की बात करेंगे, ST का जो है यहाँ पे 77 से लेके 81 आपका बन रहा है, तो यहाँ पे चांस आपका बन रहा है, मतलब इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन इतने बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका चांस बन जाता है। फीमेल की बात करेंगे, फीमेल जो है सभी में आप 5 नंबर कम करके चलो तो यहाँ पे जो है फीमेल का नंबर आ जाएगा 5 नंबर का। सर्वे के अनुसार पता चला है कि इन वैकेंसीज में जो मेल कैंडिडेट की जो यहाँ पे नंबरिंग है वो ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा एज कम्पेयर टू द फीमेल स्टूडेंट। ठीक है गाइस, ये पूरी डिटेल, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।